हेलो फ्रेंड्स, आज हम लुसेंट हिस्ट्री में शेर शाह का शासनकाल पढ़ेंगे, मतलब सूरी वंश को पढ़ने वाले हैं और देखेंगे इनसे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सूरी वंश का जो स्थापना था वो हुमायूं के शासनकाल के बाद स्टार्ट हुआ था। हुमायूं जो कि मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह था, उनको हराने के बाद शेर शाह ने सूरी वंश का स्थापना किया और इसी को हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेर शाह, याद रखना है कि शेर शाह ने सूर साम्राज्य का स्थापना किया था, मतलब सूरी वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए या सूर साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाए तो वो कौन था, याद रखना है शेर शाह ही था। ठीक है, अभी इन शेर शाह का याद रखना है जन्म कब हुआ था, 1472 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बजवारा जो कि होशियारपुर में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। और इनका याद रखना है बचपन का क्या नाम था, फरीद खां। शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खां और ये किस वंश से संबंधित थे, सूर वंश से। ठीक है, और इन्होंने सूरी वंश का स्थापना किया था, मैंने आपको ये बता ही दिया। अब याद रखना है कि इनके पिता का नाम क्या था, हसन खां। शेर खां के पिता का नाम क्या था, हसन खां, जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम का कौन था, जमींदार था। जौनपुर में एक सासाराम जगह है जो कि वहाँ का जमींदार थे इनके पिता हसन खां। अब यहाँ पर याद रखना है कि जो शेर खां थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, शेर खां या इनके बचपन का नाम मैंने आपको बताया, इनके बचपन का क्या नाम था, तो फरीद खां। तो फरीद खां ने क्या किया था, फरीद खां ने एक शेर को तलवार के एक वार से मार दिया था। ठीक है, एक शेर को एक ही तलवार के वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुर से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान जिनका नाम था मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि याद रखना है कि फरीद खां को याद रखना है या शेर खां को शेर खां की उपाधि किसने धारण मतलब उपाधि दी थी, तो याद रखना है किसने दी थी, मोहम्मद बहार खां लोहानी ने दी थी, ये आपको याद रखना। और ये कहां के थे, बिहार अफगान के शासक थे। उनके बाद याद रखना है कि शेर खां ने बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा था और इसी युद्ध के बाद वो जो थे दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, शेर शाह ने किसको हराया था, तो हुमायूं को हराया था। ठीक है, हुमायूं से इन्होंने दो लगातार युद्ध लड़ा था, एक 1539 ईस्वी में लड़ा था, ठीक है, और एक कब लड़ा था, 1540 ईस्वी में। चले, उसके बाद क्या आपको याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कि शेर शाह की मृत्यु कब होती है, तो 1545 को शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के समय याद रखना है उनका उक्ता नाम का आग्नेय शास्त्र चला रहा था। किस तरह मृत्यु होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मृत्यु के समय वो कौन से शास्त्र चला रहे थे, उक्ता नाम का एक आग्नेय शास्त्र चला रहे थे, इन्हीं के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है कि ये कब हुआ था, तो शेर खां की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुआ था। मतलब ये जो यहाँ पे क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो किसका युद्ध चल रहा था, कालिंजर का किला को जीतने का कोशिश कर रहा था शेर शाह और इन्हीं के क्रम में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और कालिंजर का शासक कौन था उस समय, तो याद रखना है कालिंजर का शासक कौन था, तो कीरत सिंह। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि शेर शाह की मृत्यु किसको जीतने के क्रम में हुई थी, कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। ठीक है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है शेर शाह के बारे में कि शेर शाह ने रोहतासगढ़ किला और किला एक कोहना जो कि दिल्ली में एक क्या है, मस्जिद है, इनका निर्माण किसने करवाया था, तो शेर शाह ने ही इनका निर्माण करवाया था। कौन कौन, रोहतासगढ़ का किला और किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह के जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो उन्हीं का पुत्र था जिसका नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो था सूरी वंश का अगला उत्तराधिकारी हुआ, ये आपको याद रखना है। शेर शाह के बारे में और क्या फैक्ट आपको याद रखना है, तो इस शेर शाह के बारे में याद रखना है कि शेर शाह ने भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज, ठीक है, सिकंदरी गज और सन के डंडी का प्रयोग किया था। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था भूमि नाप के लिए, तो शेर शाह ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि शेर शाह ने ही रुपया चलाया था, मतलब चांदी का रुपया चलाया था। और याद रखना है इन्होंने तांबे के दाम चलाए थे, 178 ग्रेन का याद रखना है चांदी का ये रुपया था और 380 ग्रेन का तांबा का ये क्या था,
मतलब कि सिक्का इन्होंने चलवाया था। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि शेरशाह के बारे में याद रखना है कि शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाया था। ये एग्जाम में याद रखना है कि शेरसुर नामक नगर किसने बसाया था, तो शेरशाह ने बसाया था, नाम में ही छुपा हुआ है, तो आप इससे पहचान लेंगे शेरसुर शेर खां शेरशाह। चलिए उसके बाद याद रखना है कि शेरशाह ने जो लगान के लिए कितना लगभग मतलब कि रखा था, तो याद रखना है 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है ये लगान वसूल करते थे कौन, शेर खां। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद याद रखना है कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो शेर खां ने की थी। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ पर याद रखना है कि शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित कौन किया था, तो शेरशाह ने किया था, और कब किया था, 1541 में। नेक्स्ट जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शेरशाह ने ग्रैंड ट्रक रोड का क्या कराया था, मरम्मत किया करवाया था। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपने नाम सुना होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे याद रखना है शेरशाह के ही शासनकाल में ये थे, ठीक है, इन्हीं के समकालीन थे। नेक्स्ट आपको लास्ट याद रखना है इनके बारे में कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया था, शेरशाह ने ही करवाया था। तो ये शेरशाह का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद हम सब नेक्स्ट वीडियो में अकबर के बारे में पढ़ेंगे जो कि मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह बनते हैं, और अकबर के बाद हम सब नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद याद रखना है अकबर का शासनकाल थोड़ा बड़ा है, इनके बारे में हम सब पढ़ेंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद हम सब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर, और जहांगीर को पढ़ने के बाद हम सब पढ़ने वाले हैं याद रखना है शाहजहाँ के बारे में, और उसके बाद नेक्स्ट हम सब जो पढ़ेंगे औरंगजेब, और इसके बाद जो क्या होता है कि मुगल साम्राज्य को हम पूरी तरह पढ़ लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।